मौसम बप्पा का और इसी शुभ अवसर पर हमारी प्यारी ऋषिका मिहानी ले आई है 5 दिनों के बप्पा अपने घर पर। आइए आप भी दर्शन करें इनके इस मनमोहक बप्पा के। मूर्ति एक्चुअली मैं चूज नहीं करती हूँ। हम लोग गणपति 15 ईयर से रखते हैं और फर्स्ट डे से फर्स्ट ईयर से मॉम हमेशा चूज़ करती हैं। और जब फर्स्ट टाइम मम्मी ने देखी थी मूर्ति लाल बाग के राजा की और हम लोग तभी अहमदाबाद में थे, तो मॉम जस्ट फेल इन लव विद दैट मूर्ति एंड फ्रॉम दैट डे टिल नाउ इट्स बिन 15 ईयर्स मॉम हमेशा लाल बाग के राजा की मूर्ति लेके आती हैं। एंड इफ़ यू सी द मूर्ति इज़ वेरी प्रिटी, यू नो गणपति's आईज एंड द वे ही सिटिंग एंड द कलर कॉम्बिनेशन एंड द डेकोरेशन एंड एवरीथिंग इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई वुड से। सो फर्स्ट ईयर से हमारे घर पे यही आते हैं, तो हमें लाल बाग के राजा के यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे घर पे आते हैं लाल बाग के राजा। एवरी ईयर मुकुट माला मोती की माला और ये जो उन्होंने शॉल पहनी हुई है एवरीथिंग वो हर साल चेंज करते हैं हम लोग। बट अभी इट्स अ गुड थिंग इनफैक्ट कि अभी विसर्जन के टाइम पे जो पुलिस एंड जो गार्ड्स होते हैं वहाँ पे वो आपको ये सब चीज़ें अंदर नहीं लेके जाने देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग विच आई लाइक। सो ऑब्वियसली यू कॉन्ट गेट इट होम, आप वापस उनको नेक्स्ट ईयर वापस नहीं पहना सकते, तो मम्मा और बाकी लोग भी वहीं पे रख देते हैं एंड देन यू नो नेक्स्ट ईयर आप नई चीज़ें लेके आओ। बिकॉज हर साल भगवान के लिए भी चीज़ें कितनी अलग अलग आती हैं, फैशन इज़ चेंजिंग फॉर गॉड्स ऑल्सो। आई हैव सीन फ्यू मूर्तीज, गणपति की कौन सी बाहुबली टाइप मूर्ति थी, देन आई सॉ गणपति के 6-pack abs थे, कम ऑन यार, गणपति इज़ सो क्यूट विद द टमी, why? सो हाँ गणपति उनका भी फैशन चेंज होते रहता है। वेल ये है शिव परिवार, मेरी मॉम बहुत बड़ी भक्त हैं शिव भगवान की, उनके परिवार की, उनको बहुत डिस्टर्ब करती रहती हैं पूरा दिन पूजा कर करके, उनको परेशान कर देती है मेरी मॉम। एंड ये गणपति हैं, ये भी काफ़ी सालों से हैं एंड मॉम बिलीव्स कि ये मूर्ति स्पेशली हमारे लिए बहुत लकी है, सो ये हमारे पास हमेशा रहेगी। और ये तो हॉल में बस टीवी देखते रहते हैं पूरा दिन। सो यस, हम मम्मा ने जितने भी मंदिर में भगवानों की मूर्ति थी या जो भी था उनको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि रोज़ आरती होगी, रोज़ भोग लगेगा, सो फॉर देम ऑल्सो इट्स लाइक अ नाइस फेस्टिवल, वो हमेशा नहीं तो मंदिर में बैठे रहते हैं। सो या एंड द डेकोरेशन दिस ईयर हमने ज़्यादा कुछ डेकोरेशन का किया नहीं है, बिकॉज 15 साल हो गए करते करते, हर साल कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, बट दिस साल आई मीन इससे ज़्यादा आई वॉन्टेड टू डू, बट देन आई थॉट कि मूर्ति पर से अटेंशन मुझे नहीं लेना है, बिकॉज द मूर्ति इज़ सो प्रिटी, गणपति इज़ लुकिंग सो नाइस एंड ही यू नो इट्स सो पॉजिटिव जस्ट टू लुक एट हिम इन द आईज, तो मुझे ज़्यादा डेकोरेशन चाहिए भी नहीं कि लोगों का ध्यान हट जाए या फिर हम लोग डेकोरेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। सो या दिस इज़ इट, माई होम, माई गणपति। ऑनेस्टली मैंने अपने हाथों से अभी तक तो कुछ नहीं बनाया है, बिकॉज अगर आप बना रहे हो तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज भोग लगता है, तो आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ दैट मच। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, पूरा सिंधी खाना बना लेती हूँ मैं, बट मॉम को इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो मॉम बनाती हैं, वो चखती भी नहीं है और देर इज़ नो अनियन और गार्लिक फॉर 5 days, तो उसके बिना खाना बनाना उनके ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, बट स्टिल 5 दिन बहुत अच्छा खाना बनता है, लंगर होता है पूरा दिन घर पे, फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, पूरा दिन खाना चालू ही होता है। सो दाल पकवान, सिंधी खाना, कढ़ी चावल, पूरी भाजी एंड सो मेनी अदर डिशेस, जो यू नो ड्राई सब्जियां होती हैं या और भी काफ़ी सारी चीज़ें मॉम बनाती रहती हैं, डिज़र्ट में इंडियन डिज़र्ट हो या केक्स। हाँ, ये एक और ट्रेडिशन है हमारा जो फर्स्ट ईयर से चलता आ रहा है, फर्स्ट डे से हम गणपति का फर्स्ट डे पे केक काटते हैं, वेलकम होम, वेलकम बैक, एगलेस ऑब्वियसली। सो हम हर साल पहले दिन जब उनकी स्थापना करते हैं, स्थापना और आरती के बाद उनका एक केक काटते हैं। सो हमेशा जो भी पूछते हैं उनको बहुत अजीब से ये लगती है बात, बिकॉज नो बडी डज दैट रियली, बट या वी डू इट बिकॉज मॉम लव्स इट, सो व्हाटएवर मॉम वांट्स। मैं विशेस से ज़्यादा थैंक यू मैं बिलीव करती हूँ, बिकॉज थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो सबके लाइफ में होती है एंड होनी भी चाहिए, इट कीप्स यू एक्टिव। और आई बिलीव हमेशा मांगने से अच्छा कभी कभी थैंक यू बोलोगे तो ही विल ऑल्सो बी हैप्पी। सो दिस ईयर एवरीथिंग, लास्ट ईयर वॉज वेरी गुड फॉर मी पर्सनली प्रोफेशनली, सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर एवरीथिंग, सो थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज नहीं दूंगी, बस मैं ये बोलूँगी कि इको फ्रेंडली गणपति लाइए, और जो
स्पेशली आर्टिफिशियल लेक्स एंड आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में अगर आप विसर्जन करेंगे तो बेटर है, बिकॉज सी में अगर आप करते हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर द यू नो सी क्रीचर्स, द फिशेज एंड एवरीथिंग. वी आर पोल्यूटिंग देयर यू नो अर्थ, लाइक वी आर, दिस इज़ आर अर्थ, वी स्टे, वी लिव हियर, फॉर देम इट्स द सी एंड वी आर पोल्यूटिंग दैट, इट्स नॉट अ गुड थिंग एंड आई एम श्योर इवन ही वुडन वॉन्ट दैट. सो इको फ्रेंडली गणेश लाइए और अच्छी खासी पूजा कीजिए, अच्छी चीज़ें मांगे, अच्छी कर्मा कीजिए, बाकी ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ऋषिका, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि आपके गणपति लाल बागचा राजा जैसे ही हैं. हमारे सारे व्यूअर्स को हमारी ओर से गणपति बाप्पा मोरया. उपासना पटेल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई. हाय, दिस इज ऋषिका मेहानी, यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू व्हाट्सएप टीवी.